लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ। शादी यही करवाने की बात कर रहे थे ना तुम, इसलिए मैंने अपनी बेटी को भी यही बुलवा भेजा। सोचा राजा बाबू से भी मिल लेगी। ठीक है, अंगूठी निकाल। आपकी इससे शादी होने वाली है? कहती हूँ अंगूठा निकाल। हे भगवान, राजा बाबू की इससे शादी होने से पहले मुझे उठा ले। पहचान गई मैं तुम्हें, तुम ही राजा हो ना? कितने बड़े हो गए हो तुम। तू भी तो कितने बड़े हो गए हैं। बहन जी, आपसे एक बात पूछो। पूछो। आपकी बेटी को अंगूठा चूसने की आदत जवानी में पड़ी या पैदाइशी है? पैदाइशी है, मगर कहते हैं ऐसी आदतें शादी के बाद छूट जाती है। आपकी छूट गई थी? चुप बदमाश कहीं का, चल बेटी अंदर चल। राजा, तेरे बाबूजी से मेरा झगड़ा ही क्यों ना हो जाए, मगर इस पगले से तेरी शादी करा के मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी बेटा। अगर फांसी का फंदा तैयार हो ही गया है तो इसे अपने गले में डालने के बजाय मेरे गले में डाल दो। मैं खुशी खुशी झूल लूंगा लेकिन आपको लटकने नहीं दूंगा। नंदू, बात बढ़ाने से फायदा नहीं है, बाबूजी ने शादी के कार्ड भी छपवा दिए। अरे अंगूठा छाप होने की इतनी बड़ी सजा थोड़ी होनी चाहिए कि अंगूठा चूसने वाले के साथ ही शादी करवा दी जाए। मैं भी देखता हूँ कि ये शादी कैसे होगी। नहीं होने दूंगा। चाचा, मैं कहती हूँ के लिए नहीं, सिर्फ सबक सिखाने के लिए कहा था। ये लो तुम्हारे पैसे और जाओ यहाँ से। माधु, तुम लोग जाना नहीं है, जाना नहीं है भाई। दरअसल ये लोग मुझे मार नहीं रहे थे, मैं मार खा रहा था। मैं देखना चाहता था कि मुझे मार खाता देखकर तुम्हें खुशी होती है या तकलीफ, मगर मुझे मेरा जवाब मिल गया है। अब तुम देखना कि मैं तुम्हारे इन भाड़े के टट्टुओं का कैसा हाल करता हूं। आप क्या कहती हो मधु? बात अगर जिद की है राजा, तो मेरी भी एक आखिरी बात सुन लो। अगर तुम इस मोमबत्ती के बुझने से पहले यहां से ले गए तो तुम तो अपनी जान बाद में दोगे, उससे पहले मैं तुम्हें खुदकुशी करके दिखा दूंगी कि जान किस तरह दी जाती है। नंदू, इन दोनों की लाश उठाकर बाहर फेंक दो। तुरंत मोटरसाइकिल निकाल, हम लोग गांव जाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूं नंदू, आज मधु ने वो कह दिया है जो मैं कभी सपने में भी सोच नहीं सकता। हम जा रहे हैं। जाने से पहले एक बात कहकर जाना चाहता हूं, तुम्हारी जिंदगी बहुत कीमती है, मुझ जैसे अनपढ़ के लिए इसे गंवाने का ख्याल दोबारा कभी अपने मन में भी मत लाना। मत
किशन सिंह, उस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ने के लिए और गांव में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए शादी उसी तारीख को होनी चाहिए। सुनो चंद्रमोहन, तुम शादी की तैयारी शुरू करो, मेरे बेटे की शादी सिर्फ तुम्हारी बेटी से होगी। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा किशन सिंह। अच्छा मैं मिठाई लेके आता हूँ। अरे राजा बेटा, राजा बेटा सुना तुमने, तुम्हारे बाबूजी ने जिस तारीख को शादी तय की थी उसी तारीख को शादी होगी। हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चंद्र काका, शादी भी उसी तारीख को होगी और लड़की भी वही होगी। मधु क्या वो लड़की शादी के लिए राजी हो गई राजा? अभी तक तो राजी नहीं माँ, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो जल्द ही राजी हो जाएगी। अरे वो राजी होने वाली कौन होती है, मैं राजी नहीं हूँ। उस लड़की से तेरी शादी हरगिज नहीं हो सकती। बाबूजी आपकी नाराजगी बिल्कुल ठीक है, मगर इसमें सारी गलती मधु की तो नहीं, कुछ गलती हमारी भी है। आखिर वो कितनी पढ़ी लिखी लड़की है और मैं ठहरा कब रहने लायक? उस लड़की की तरहदारी करा जिसने सारे गांव के सामने मुझे जलील किया, मेरा सर झुका दिया। पूरे गांव के सामने अपना सर झुकाकर वो आपसे माफी नहीं मांगेगी बाबूजी? मैं किसी से माफी नहीं मांगना चाहता, मैं सिर्फ ये शादी करवाना चाहता हूँ, ये मेरी इज्जत का सवाल है। और मैं शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा मतलब वो लड़की तुझे बाप की इज्जत से ज्यादा प्यारी है? बाबूजी मुझे तो आपकी इज्जत भी प्यारी है और मधु से भी प्यार है, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं ये घर ही छोड़कर चला जाऊंगा और उसके बाद मधु से शादी करूंगा, ताकि आपकी इज्जत भी रह जाएगी और मेरा प्यार भी बच जाएगा। नहीं बेटे, बाबूजी से ऐसी बात नहीं करते। और तेरे दिल में घर छोड़ने की बात कैसे आई? तो क्या करूं मां, शादी जिंदगी में एक बार होती है, बार बार नहीं। और अगर बाबूजी अपनी जिद पर अड़े रहे तो जिद मैं भी इनसे कम नहीं हूँ, आखिर इन्हीं का खून हूँ। खून? सही रंग दिखाया तेरे खून ने। शांति मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, आगे कुछ भी मत कहना। सुनने के लिए घर धोती है जानकी बहन, बहुत बोल लिया इसने। अरे अगर मेरी बात आपको इतनी कड़वी लग रही है तो बंद कर लीजिए अपने कान, मगर हमारे घर के मामले में बाहर वालों को बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बाहर वाले? हम बाहर वाले और तू घर वाला? अरे असलियत पता चलेगी तो तेरे पाँव तले जमीन निकल जाएगी। भगवान के लिए चुप हो जा शांति। अच्छी तरह से जानता हूँ मैं कौन हूँ और क्या हूँ, इस घर का इकलौता वारिस हूँ मैं। लोग मुझे राजा बाबू कह के पुकारते हैं, छोटे मालिक कहकर सलाम करते हैं। मालिक? मालिक तो क्या, तू तो इस घर का नौकर भी नहीं है। शांति तू तो एक अनाथ है, लावारिस है तू। शांति और मैं वो हूँ जिसने तुझ अनाथ को मंदिर के सीढ़ियों से उठाकर इसकी झोली में डाल दिया था। क्या कहा? ये बात कहने से पहले तेरी जबान क्यों नहीं सजाई? सौ बार मर के भी जन्म ले लूं ना, फिर भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकूंगा। नहीं रे माँ, अरे माँ तूने मुझे कितना प्यार दिया रे, तूने मुझे कितना प्यार दिया। बाबूजी अब तो आपकी मर्जी मेरे लिए भगवान का हुक्म है, आप जहां बोलेंगे जिधर बोलेंगे मैं शादी करूंगा। अगर इस मोमबत्ती के बुझने से पहले तुमने अपने प्यार का इकरार नहीं किया तो तुम्हारी कसम मधु मैं अपनी जान दे दूंगा।